शहीद भगत सिंह दा नां वरत के सत्ता विच आउण तों बाद आम आदमी पार्टी दी सरकार दे मंत्रियां खास करके सिख्या मंत्री वलों हैंकड़बाजी भरिया वतीरा वरतना शुरू कर दिता गया है, जिस दी ताज़ा मिसाल सिख्या मंत्री नाल मीटिंग करन गए मिड डे मील वर्करस यूनियन दियां आगुआं अते पंजाब सवार्डिनेट सर्विस फेडरेशन दे सूबा प्रधान अते पंजाब यूटी मुलाजम अते पेंशनर सांझा फरंट पंजाब दे कन्वीनर अते कोआर्डिनेटर साथी सतीश राणा जीटीयू दे जनरल सकत्तर गुरबिंदर सिंह ससकौर आदि आगुआं नाल बदसलूकी करके उन्हां दी गिरफ्तारी दे हुक्म इस सिख्या मंत्री वलों दिते गए हन, जिस करके साथी सतीश राणा नू सैक्टर 3 चंडीगढ़ दे थाने विच बंद कीता गया अते बाकी आगुआं नू पंजाब भवन विच ही नज़रबंद कीता गया, जिसका सोशल मीडिया ते पंजाब पर विच बहुत ही तिखा विरोध होया अते शाम काफ़ी देर तक सैक्टर 3 चंडीगढ़ दे थाने विखे भी विरोध प्रदर्शन चलण दे दबा अधीन साथी राणा नू अते दूजे साथियों नू रिहा कीता गया। इस सारे घटनाक्रम का सख्त नोटिस लेंदे हुए पंजाब सवार्डिनेट सर्विस फेडरेशन की समुची लीडरशिप वालों अज मिती 25 मई नूं पूरे पंजाब विच सिख्या मंत्री पंजाब दे हैंकड़ परे वतीरे दे विरुद्ध अर्थियां फूक के जित रैलियां करन दे दिते गए सद्दे अनुसार पंजाब सवार्डिनेट सर्विस फेडरेशन फिलौर वालों फिलौर विखे सतविंदर सिंह अते हरकनवल सिंह ते कमलजीत कौर अमरजीत कौर की अगवाई विच सिख्या मंत्री पंजाब हरजोत सिंह बैंस की अर्थी फूक के जोरदार नारेबाजी करदे हुए जित रैली कीती गई। इस जित रैली नूं संबोधन करदे हुए गौरमेंट टीचरस यूनियन जलंधर दे प्रधान करनैल फिलौर पंजाब सवार्डिनेट सर्विस फेडरेशन दे जिला जनरल सकत्तर निर्मोलक सिंह हीरा पंजाब सवार्डिनेट सर्विस फेडरेशन दे सूबाई आगू सुरिंदर पुआरी जसपाल संधु आदि आगुआ ने सिख्या मंत्री पंजाब दे हैंकड़ परे वतीरे की तिखी आलोचना करदे हुए पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान जी तो मंग की कि अपने हैंकड़बाज मंत्रियां खास तौर पर हरजोत सिंह बैंस नूं नत पाउण अते उन्हां नूं जथेबंदियां दे आगुआं नाल सलीकेबद्ध ढंग नाल गलबात करके मसले निपटाउण दी सही सही ट्रेनिंग दिवाउण तां जो भविख विच इहो जिहे हालात पैदा होण जिस नाल पंजाब सरकार दा अकसाम लोकां विच खराब होवे। आगुआं ने पंजाब सरकार दे मंत्रियां खास तौर पर हरजोत सिंह बैंस नूं चेतावनी दिंदियां कहा कि जिस भी मंत्री ने भी मुलाजमां नाल पंगा पाया है उह दोबारा विधानसभा विच नहीं पहुँच सकिया, जिसकी ताज़ी मिसाल तत्काली सिख्या मंत्री दलजीत सिंह चीमा आप दे सामने ही है। आगुआ ने कहा है कि अजिहियां कारवाइयां करन नाल मुलाजमां अते लोकां दे संघर्षां नूं दबाया नहीं जा सकता। पंजाब दे मुख्यमंत्री साहिब नूं सिख्या मंत्री दे अजिहे वतीरे नूं रोकना चाहिदा है तां जो मुलाजम वर्ग वलों सिख्या मंत्री दे विरुद्ध कीता जाण वाला संघर्ष सरकार लई खतरा ना बन जावे। आगुआ ने कहा कि सत्ता विच आउण तो पहला मौजूदा सरकार दे विधायक अते मंत्री मुलाजमां दे संघर्षां विच पहुंच के उन्हां दीआं मंगां दा समर्थन भी करदे सन अते सरकार आउण ते इन्हां नूं पहल दे आधार ते हल करन दे वादे भी करदे सन। पंजाब दे लोकां वल्लों अपना वादा पूरा करदिआं सूबे अंदर आम आदमी पार्टी दी सरकार बनाई, परंतु सत्ता विच आउंदिआं ही समूह वादिआं नूं भुल के हिटलरशाही नीतियां लागू करनियां शुरू कर दित्तियां हन। समूह आगुआ ने मुख मंत्री पंजाब तो मंग भी कीती कि मुलाजम जथेबंदियां दे प्रमुख आगुआ नाल जल्दी तो जल्दी सुखावे माहौल विच गंभीरता नाल गल बात करके चिरां तो लटक रहियां समूह मुलाजम मंगां दा निपटारा जल्दी तो जल्दी कीता जावे। अज असी पंजाब दे मुलाजमां दे सदे ते जिहड़ा कंध पंजाब सरकार दे कुछ मंत्रियां ने साडे मुलाजम आगुआ ते मिड डे मील भैणां नाल बदतमीजी कीती आ उहदे विरोध दे विच फलौर तहसील दे विच तहसील पदरी मुजाहरा करके सिख्या मंत्री ते पंजाब सरकार दा पुतला साड़ के हटिया चौंक दे विच और मंग करदे आ कि जो सिख्या मंत्री जां पंजाब सरकार ने साडे आगुआं नाल बदतमीजी कीती आ उहदा असीं जवाब आउण वाले समें दे विच आनंदपुर साहिब दे विच वड्डियां वड्डियां रैलियां करके देवांगे, क्योंकि बीते 21 तरीक नूं आनंदपुर साहिब दे विच मिड डे मील वर्कर भैणां ने रैली कीती सी, उहदे एवज दे विच 24 तरीक नूं साडे सिख्या मंत्री ने मीटिंग दित्ती सी सकत्तरेत दे विच, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਔਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਛਡਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।